खाने पीने में फिर कभी बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है तो खाली अनार देते हैं, सेब देते हैं या पपीता देते हैं, बाकी कुछ नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई मसाले नहीं, कोई नमक नहीं, कोई मीठा नहीं, कुछ नहीं। और कितना दिन का रिस्ट्रिक्शन है? एक दो महीना, बाकी खूब खाओ पियो जीवो। भगवान ने तुम्हारे लिए सृष्टि बनाई है, सृष्टि के सारे अच्छे पदार्थ बनाए हैं, हम पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं? लेकिन एक दो सप्ताह, एक दो माह थोड़ा सा अपने आप को उभार लो। ऐसी किडनी फेलियर, तो किडनी फेलियर वालों को क्या कराते हैं? किडनी फेलियर वालों को रिनोग्रिड देते हैं। अब मेरे पास ये 30 सालों का तो अनुभव है, कुछ को हमने केवल नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाया और उससे किडनी ठीक हो गई, किसी को खाली गोखरू का ही पानी पिलाया और उससे किडनी लेवर 4, 8, 10, 12, 14 तक था ठीक कर दिया केवल गोखरू के पानी से। अब ये सिम्टोमेटिक दवाइयां हैं, बहुत ज्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम होती है, तो गोखरू का पानी या ट्राइगनवटी अभी भी देते हैं। धनिया का भी प्रयोग करवाया, हरे धनिया से भी और धनिया के पानी से भी हमने किडनी ठीक की है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। एक कनाडा से, अमेरिका से एक बहन आई, जयश्रिया राज जो भी उसका नाम था पटेल, बोले स्वामी जी मेरा तो 14 क्रिएटिनिन था और कुछ तो मिला नहीं, आपने धनिया का पानी बोला था तो मैंने तो धनिया की चटनी बनाई और धनिया का ही पानी पिया, 14 से क्रिएटिनिन हाफ पर आ गया मात्र धनिया के पानी से। केवल धनिया का पानी पिला के, केवल गोखरू का पानी पिला करके। एक मेरठ का भी बाबा जी आया था, उसका भी 4-5 था क्रिएटिनिन, उसने भी धनिया, हरिया धनिया की चटनी खानी शुरू कर दी। बोले बाबा जी थोड़ा सा उसमें नमक तो आपने मना किया था, तो थोड़ा सा नींबू डाल लेता था और थोड़ी सी हरी मिर्च, जिससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो मैं तो वही चटनी को ही सब्जी की तरह खाने लग गया और बस आपने जो कि आटे की रोटी बोली थी वही खाई, मेरे तो 4 से क्रिएटिनिन आधे पर आ गए, नहीं तो किडनी फेल की हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था पहले डायलिसिस, फिर ट्रांसप्लांट और बाद में मौत, 2-3 साल जिएगा बोले। अब रिनोग्रिड एक ऐसी दवाई बना दी हमने, और मैं कहता हूं जो मेरी बात पूरी मानेंगे, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह लगेगा, किसी की भी किडनी फेल नहीं होगी। लो, ये जो डाइट की भी जो SOP तैयार की है ना, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगी आपको। डाइटिशियंस को जो पढ़ाया जाता है, और डाइटिशियन ज्यादातर क्या बोलते हैं, खास करके जो एलोपैथी सिस्टम से पढ़े हुए डाइटिशियन नाम के भी डॉक्टर तैयार हो गए हैं। वो डाइटिशियन क्या बताते हैं, मुर्गे खाओ, अंडे खाओ, बकरे खाओ, मछली खाओ, सुअर खाओ, बेसुरे कहीं के, और कुछ उनको सोचता ही नहीं। आदमी को आदमी नहीं रहने देना, उसको खिलाना है सुअर, बेसुरा बनाना, उसको खिलाना है मुर्गा बकरा, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े सब खा जाते हैं। हम कहते हैं मेरे भाई, प्रकृति ने, परमेश्वर ने तुझे स्वभाव से शाकाहारी बनाया है। जिनको भी अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में उपवास बहुत जबरदस्त काम करता है। जब भूख को खाना नहीं मिलता ना, तो RA फैक्टर को, CRP को, ANA, AVN, HLB 27 को, ESR को, यूरिक एसिड को, जितने भी पेन मार्कर्स हैं ना, इनको खा जाती है भूख। भूख के दो काम है, एक तो भूख का काम है अच्छे से आपको जो भूख लगती है तो खाने को हजम करना, और दूसरा काम जब खाना नहीं मिलता तो रोगों को, बीमारी को, विकारों को खाती है। इसलिए अध्यात्म में उपवास और उपासना का बड़ा महत्व है। उपवास से पूरा तन शुद्ध हो जाता है और उपासना से मन शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध होता है वो बुद्ध होता है। बस भगवान तो सदा हाजिर नाजिर है, वो दूर है ही नहीं, वो तो सदा प्राप्त है। हम भगवान में पूरी तरह से एकात्म हो जाते हैं।